टाइम एक ऐसी चीज है दोस्तों, जो एक बार बीत गया तो कभी वापस नहीं आ सकता और ना ही हम इसको कभी खरीद कर वापस ला सकते हैं, चाहे वो एक सेकंड ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज के समय में लोगों के मुंह से हम एक बात सुनने को बहुत ज़्यादा मिलती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन याद कीजिए उस टाइम को लगभग आज से 100 साल पहले, जब हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी कई दिन लग जाते थे, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम होता था। अब बात यह है कि क्यों हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जबकि हम सभी के पास 24 घंटे हैं। कोई इस टाइम के अंदर इतिहास बना देता है और कोई केवल यही कहता रह जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी यही कंप्लेन है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो ये वीडियो समरी आपके लिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट, समय के उपयोग के 30 सिद्धांत, जिसके ऑथर हैं दोस्तों डॉक्टर सुधीर दीक्षित, जो कि एक जाने माने ट्रांसलेटर हैं। और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर लगभग 200 से भी ज़्यादा बुक्स को हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया है। और आज हम उन्हीं की एक बेस्ट सेलिंग बुक टाइम मैनेजमेंट से 30 ऐसे प्रिंसिपल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जिनसे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं और कम समय के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे पहले प्रिंसिपल के बारे में, जो कहता है कि हमें अपने समय की लॉक बुक रखनी चाहिए। जैसे इंसान अपने धन को खर्च करने के लिए एक बुक बनाता है, जिसे कि हम बजट बुक कहते हैं, या फिर एक ड्राइवर अपनी गाड़ी के लिए एक लॉक बुक रखता है, वैसे ही हर इंसान को अपने टाइम के लिए भी एक टू डू लिस्ट रखनी चाहिए, जिसमें उसको यह पहले से प्लान कर देना चाहिए कि कब उसे कौन सा काम करना है। दुनिया के सभी अमीर और महान लोग सोने से पहले यह लिख देते हैं कि कल उनको क्या क्या और किस टाइम पर करना है, क्योंकि इससे वह अपना काम नहीं भूलते और टाइम पर वो कर भी देते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास या फिर लो क्लास लोगों के पास कभी भी उनकी टू डू लिस्ट नहीं होगी, और इसलिए उनको लगता है कि उनके पास टाइम की कमी है। इस लिस्ट को आप हर हफ्ते चेक कर सकते हैं कि आपने अपना टाइम कहां पर उपयोग किया, जैसे कि स्टडी के लिए, या फिर प्लान बनाने के लिए, या फिर मीटिंग और वर्कआउट करने के लिए, और कितना टाइम आपने वेस्ट किया टीवी, मोबाइल्स या फिर पार्टी करने के लिए। अब आपको ये एनालाइज करना है दोस्तों कि दूसरी बार बर्बाद टाइम को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। अगर आप भी अपने टाइम को बचाना चाहते हैं और इफ़ेक्टिव तरीके से काम करना चाहते हैं और एक प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आज से ही आपको भी अपनी टू डू लिस्ट मेंटेन करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 के बारे में, अपने आर्थिक लक्ष्य बनाएं। जैसे हमको किसी गाड़ी में बैठने से पहले पता होता है कि हमें कहाँ पर जाना है, अगर हमको हमारे टारगेट्स नहीं पता होंगे तो हम ऐसे ही घूमते रह जाएंगे और हमारा टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह से हमको अपने आर्थिक लक्ष्य बनाने होंगे। इसकी वजह से हम हर काम पर फोकस रहेंगे और समय बर्बाद नहीं करेंगे। यह भी बहुत बड़ा कारण है समय बर्बाद होने का, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको क्या चाहिए। आर्थिक लक्ष्य बनाने के बाद आप अपना काम भी फिक्स कर लेते हैं कि आपको कितने टाइम के अंदर और कितना काम करना है, और इससे अनावश्यक काम पर समय बर्बाद नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों आपको भी अपने इकोनॉमिक गोल्स सेट कर लेने चाहिए कि आपको एक साल के अंदर कितना पैसा कमाना है। उस अमाउंट को आप एग्जैक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि आपको सालाना 1 लाख रुपए की सेविंग करनी है या फिर 5 लाख रुपए, ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल नंबर 3 के बारे में, महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करें। सफल लोग अपनी प्रायोरिटीज यानी कि प्राथमिकताएं तय करते हैं, वह उन काम को पहले करते हैं दोस्तों जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। असफल लोग जो काम आए वो करना शुरू कर देते हैं, इससे हम प्रोडक्टिव समय में भी फालतू काम करने में लग जाते हैं। लेकिन सफल लोग इनको लिख करके अपनी टू डू लिस्ट मेंटेन करके सबसे जरूरी काम ही करते हैं। इसके लिए ऑथर ने एक क्वाड्रेंट बनाया है, जिसमें सबसे पहले क्वाड्रेंट के अंदर उन्होंने बताया है कि हमें वो काम लिखने हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और अनिवार्य भी हैं दोस्तों, और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अनिवार्य हैं।
वो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर उन्होंने बताया है कि ना तो वो काम इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट यानी कि अनिवार्य है। ऐसे काम हम किसी और को भी दे सकते हैं। ऐसे तीन हिस्सों में अपने काम को बांट दीजिए, इससे आपका समय बर्बाद होने से बच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में। ट्रैवलिंग के टाइम का अधिकतम उपयोग करें। सफल लोग उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जिनको असफल लोग करना पसंद नहीं करते। दुनिया के महान लोग जैसे कि महात्मा गांधी, नेपोलियन, थॉमस अल्वा एडिसन, बिल गेट्स अपना काम यात्रा के समय करते हैं, जैसे कि फ़ोन करना, किसी को लेटर लिखना या फिर बुक्स पढ़ना या फिर नींद लेना। और ऐसे बहुत से काम हैं जो आप अपनी किसी ट्रैवलिंग के दौरान कर सकते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करना सीखें, ना कि इस टाइम में आप गाने सुनें या फिर लोगों से गप्पे लड़ाएं। इससे भी आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो दोस्तों आज के बाद जब भी आप कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जाएं तो ऐसे काम आप उस टाइम में कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे फिफ्थ प्रिंसिपल के बारे में, जो है काम को डेलीगेट करना यानी कि दूसरों को सौंपना। कोई भी इंसान हर काम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग सारे काम खुद करने की कोशिश करते हैं। इससे उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है और इंसान इससे बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हमको एक टीम बना करके काम करना चाहिए, और ऐसे काम जो दूसरे लोगों को सौंपे जा सकते हैं उन्हें आप अपने टीम मेंबर्स को सौंप सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनना होगा जो उन काम को पसंद करते हैं, और हमें उन्हें उस काम को करने के लिए सौंपना होगा। इसके लिए भी आपके पास एक आर्ट होनी चाहिए। आपको किसी गलत इंसान को काम नहीं सौंपना है। पहले सामने वाले की योग्यता जांच कर लें। एक बार आपने सही इंसान को चुन लिया तो फिर आप उसको बार बार काम दे सकते हैं, जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे सिक्स्थ पैरेटो प्रिंसिपल के बारे में। व्यस्त होना महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, वो तो जानवर भी होते हैं, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आप किस काम के अंदर व्यस्त हैं। दोस्तों आप सभी ने पैरेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना ही होगा। आप सभी जानते हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में, जिसके अनुसार 20% ऐसे काम होते हैं जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं, और 80% ऐसे काम होते हैं जो हमें 20% रिजल्ट देते हैं दोस्तों। तो हमें सबसे पहले अपने उन 20% कामों को आइडेंटिफाई करना होगा जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं, और उन काम को आपको अच्छे तरीके से करना होगा। अगर आप 80% काम जो कि सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं उनको न भी कर पाए, तो इससे आप अपने टाइम को भी बचा पाएंगे और ज़्यादा रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर पाएंगे दोस्तों। तो आप एक बार अपनी लाइफ के अंदर पैरेटो प्रिंसिपल जरूर फॉलो कीजिए। पहले अपने ज़रूरी काम कीजिए, क्योंकि 20% ऐसे काम होते हैं जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं, और वही हमें सफलता के शिखर तक भी ले जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे सेवंथ प्रिंसिपल के बारे में, जो है पार्किंसंस लॉ, जिसके अनुसार किसी काम को करने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि हमारे पास टाइम होता है दोस्तों। समय उड़ता है और यह बुरी खबर है, लेकिन इसके उड़ाने वाले हम खुद हैं, यह अच्छी खबर है दोस्तों। यानी कि टाइम का यूज करना हमारे हाथ में है। पार्किंसंस नियम कहता है दोस्तों कि काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है दोस्तों। उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच में कभी कभी 20 ओवर में 200 का टारगेट पूरा हो जाता है, और कभी कभी 20 ओवरों में सिर्फ 120 रन ही बन पाते हैं, क्योंकि समय हमारे लिए काम के अनुसार बढ़ जाता है और घट भी जाता है। अगर हम सभी कम समय के अंदर ज़्यादा काम करते हैं तो समय बढ़ जाता है, और अगर ज़्यादा समय के अंदर कम काम करें तो समय घट जाता है दोस्तों। इसलिए हमेशा स्पष्ट और बड़ा लक्ष्य रखें। जितना बड़ा लक्ष्य होगा आपकी सफलता भी उतनी बड़ी होगी दोस्तों। और आपने अक्सर ये बात नोटिस ही की होगी दोस्तों कि अगर स्कूल के अंदर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है और उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपके पास एक महीने का टाइम है दोस्तों, तो उस प्रोजेक्ट को करने में आप एक महीना ही लगाएंगे। आपको वो प्रोजेक्ट उस महीने की लास्ट डेट को ही कम्प्लीट होगा। और वहीं अगर उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया जाए तो आप उस प्रोजेक्ट को उसी 7 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान दे सकते हैं कि आपके पास किसी काम को करने के लिए जितना टाइम है वह काम उतना ही फैलता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको पार्किंसंस लॉ समझ में आया।
तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे 8th प्रिंसिपल के बारे में। अपने प्राइम समय में काम करें। जिस समय आपका प्राइम टाइम हो उस समय आपको अपने जरूरी और महत्वपूर्ण काम करने चाहिए दोस्तों। वह समय सुबह शाम दिन और रात कभी भी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उस समय हम बड़ा काम भी आसानी से कर सकते हैं। हर इंसान अपने दिन के किसी न किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है दोस्तों। बहुत से लोग होते हैं जो सुबह जल्दी उठ करके काम करना पसंद करते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जो नाइट आउल होते हैं, उनको रात के टाइम में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आपको भी अपना प्राइम टाइम यानी कि जिस टाइम आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो उस टाइम को आइडेंटिफाई कीजिए, और उस टाइम में आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आप उस काम को भी आसानी से कर लेंगे जिस काम को करने में आपका मन नहीं है। और आप अपने उन प्राइम टाइम के अंदर फालतू के काम न करें, जैसे कि टीवी देखना या फिर खेलना, आप इन सभी कामों से बचें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे 9th प्रिंसिपल के बारे में, जो कहता है कि हमें स्वयं को यानी कि खुद को व्यवस्थित करना होगा। अगर हम खुद को व्यवस्थित यानी कि मेंटेन नहीं करेंगे तो हम अपने समय को कभी नहीं बचा सकते, यह बर्बाद होगा ही होगा। इसलिए खुद पर काम कीजिए। इसमें आपको अपने विचार और शरीर को सही रखना है। अगर आप बीमार होते हैं तो इस कारण से आपका बहुत सा टाइम बर्बाद हो जाता है दोस्तों। तो खुद को मेंटेन रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, और खुद को फिजिकली और मेंटली फिट रखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे 10th प्रिंसिपल के बारे में, जो कहता है टाइम टेबल बनाना। किस टाइम आपको कौन सा काम करना है उसके लिए आपको हर दिन टाइम टेबल बनाना होगा। इससे आपका टाइम कभी भी बर्बाद नहीं होगा। दुनिया के अमीर और सफल लोगों का सोने का, खाने का, काम करने का, व्यायाम करने का, हर चीज़ का एक फिक्स टाइम होता है। इससे इंसान का सबसे ज़्यादा टाइम बचता है और हर काम समय पर भी हो जाता है दोस्तों। तो आपको भी अपना टाइम टेबल बनाना होगा। जिस प्रकार से आप स्कूल में देखेंगे हर एक पीरियड का एक टाइम टेबल होता है कि इससे इस टाइम के बीच में सिर्फ और सिर्फ इसका लेक्चर है, इस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेक्चर है। स्कूल्स और कॉलेजेस आपके टाइम को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं और आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर पाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे 11th प्रिंसिपल के बारे में, जो हमें कहता है कि हमें आज से ही बल्कि अभी से ही अपने काम के अंदर जुट जाना चाहिए। बहुत सारे लोग प्लानिंग बनाने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं लेकिन उस पर कभी काम नहीं करते, या फिर फेल होने के डर से शुरू ही नहीं करते। ऐसे लोग काम को टालते रहते हैं और कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि फल काम करने से मिलता है, सोचने से नहीं। इसलिए जो भी काम करना है उसको तुरंत शुरू कीजिए। अच्छे समय का इंतज़ार न कीजिए, क्या पता अभी का समय ही सबसे अच्छा समय हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे 12th प्रिंसिपल के बारे में, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। हर दिन अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं, और ऐसे आप तब कर पाएंगे जब आप खुद को एनालाइज करेंगे। अपने पहले दिन से आज थोड़ा सा ज़्यादा काम कीजिए, इससे आपकी काम करने की रफ्तार तेज हो जाएगी। फिर आपको काम करने का ज़्यादा समय मिल जाएगा। जो काम आप एक घंटे में कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वो काम आप 45 मिनट या फिर 50 मिनट में पूरा कर पाएं। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो आपने अपने 10 मिनट बचा लिए, जिसमें आप और कोई काम प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे 13th प्रिंसिपल के बारे में, जो कहता है दोस्तों कि हमें किसी भी काम के लिए एक डेडलाइन फिक्स करनी होगी। दोस्तों यह सबसे अच्छा तरीका है टाइम को मैनेज करने का। आप अपने काम की आखिरी सीमा तय कर लें कि कब तक आपको उस काम को पूरा करना है। इससे आपके दिमाग में हर एक समय फिक्स रहेगा कि आपको वह काम उस दिन तक किसी भी हालत में पूरा करना है। इससे आप अपना समय बर्बाद नहीं होने देंगे। डेडलाइन रखने से इंसान को काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अगर उस दिन आप काम पूरा नहीं कर पाए तो आप खुद के लिए पनिशमेंट भी रख सकते हैं, इससे और अच्छे से आप काम को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे 14th प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें हमें ऑथर बताते हैं कि हमें समय को खरीदना सीखना चाहिए। समय खरीदने से मतलब है कि जहां पर पैसे लगने से आपका टाइम बच सकता है वहां पर आपको पैसे लगा देने चाहिए। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आपको 20 किलोमीटर जाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप 20 किलोमीटर का वो सफ़र पैदल तय कर सकते हैं, या फिर आप किसी बस या फिर गाड़ी से जा सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास सफिशियंट पैसा है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अपने टाइम को बचाने के लिए,
क्योंकि अगर आप पैदल जाओगे तो आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जबकि आपको पता है कि समय कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन पैसे आप दोबारा से कमा सकते हैं, इसलिए आपको अपने टाइम को बचाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे 15th प्रिंसिपल के बारे में, जो हमें कहता है दोस्तों कि भावी लाभ के लिए हमें वर्तमान में त्याग करना सीखना चाहिए। यानी कि अगर आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट होने वाला है तो आपको अपने प्रेजेंट पे छोटे मोटे त्याग कर देने चाहिए दोस्तों। जब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको अनावश्यक चीज़ों को अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा ज़्यादा टाइम लग जाता है और समय बर्बाद होता है। सफल लोग भावी लाभ के लिए निवेश करते हैं दोस्तों, और आप भी ऐसा करके खुद को सफल लोगों की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल नंबर 16 के बारे में, निश्चित समय पर काम करें। इंसान के शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है दोस्तों, जो हमारी एक बार आदत बन जाने पर हमसे वह काम करवाती है। अगर हम 21 दिन तक एक ही समय पर कोई काम करें तो उसके बाद वह काम उस समय पर हमारे शरीर को याद दिला देगा कि आपको वह काम अभी करना है। आपने ये चीज़ तो नोटिस की ही होगी कि हमें हर रोज़ एक ही टाइम पर भूख लगती है और एक ही टाइम पर नींद आती है, और ऐसे ही बहुत से काम हैं जो हम सभी एक निश्चित टाइम पर ही करना पसंद करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल नंबर 17 के बारे में, समय बर्बादी गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानें। जैसे ऊपर से गिरने से कोई भी चीज नीचे ही आती है, वैसे ही जब हम काम करना शुरू करने लगते हैं दोस्तों तो हमारे पास रुकावटें भी आती हैं, काम में बाधाएं भी आएंगी, परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं रहती, सब कुछ उल्टा पुल्टा ही होता रहता है दोस्तों। सफल लोग सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं और असफल लोग परेशानियों पर। और दोस्तों, हमने हमारे इस चैनल पर द सीक्रेट नाम से एक बुक की समरी पब्लिश की है, जिसमें हमने बताया है कि जिस चीज़ पर आप फोकस करेंगे वह चीज़ बढ़ती जाएगी। तो अगर आपने उस वीडियो समरी को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के आई बटन पर जा करके देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग बुक की समरी है दोस्तों, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे 18 प्रिंसिपल के बारे में, जो हमें बताता है कि न्यूटन की गति का पहला नियम हमें क्या दिखाता है। हम एक ही अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। यह नियम इंसान पर भी लागू होता है दोस्तों। इसके लिए हमको काम के लिए अनुशासित रहना होगा। ऐसे बहुत से लोग होंगे दोस्तों जो आपकी सक्सेस में बाधा डालेंगे। आपको तब तक डिसिप्लिन के अंदर रहना है जब तक कि आप अपने मनचाहे मुकाम पर ना पहुंच जाएं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे 19 प्रिंसिपल के बारे में। महत्वपूर्ण ये नहीं है दोस्तों कि आपने कितने टाइम काम किया, महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि आपने कितना काम किया। कोई भी मालिक काम नहीं, परिणाम से कर्मचारी को तनख्वाह देता है दोस्तों। सफल लोग हमेशा रिजल्ट देखते हैं, इसलिए दोस्तों आपको कोई भी काम उसका रिजल्ट न आने तक करते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर कोई रिजल्ट देखता है, काम नहीं। हम भी लोगों की मेहनत, उनकी सफलता देखते हैं, क्योंकि मेहनत बोलती नहीं है दोस्तों, लेकिन रिजल्ट बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल नंबर 20 के बारे में, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। महत्वपूर्ण और मुश्किल काम सुबह ही कर लें, क्योंकि जब आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी हो और जब आपको अच्छा फील हो, उस टाइम पर आप अगर सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट काम करेंगे तो आप उसको आसानी से फिनिश कर पाएंगे दोस्तों। और आपको लास्ट में वे काम करने चाहिए जो करने में आसान हो, जैसे कि किसी से बातें करना, बाहर जाना या फिर घर की साफ सफाई करना। ये सभी तय करना आपका काम है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, जो हमें कहता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसके पास पैसा और बुद्धि रहती है, लेकिन लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन दुनिया का हर बड़ा और संपन्न इंसान सुबह जल्दी उठता है, क्योंकि सूरज को जगाने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। सुबह सुबह इंसान के दिमाग में नए नए विचार होते हैं, वातावरण साफ रहता है और आवाज़ नहीं होती, इसलिए सुबह आप एकाग्र होकर के काम कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने वाले लोग काम के अंदर ज़्यादा एनर्जी लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें ऑथर हमें हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बारे में कहते हैं।
हमें हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को देना चाहिए, क्योंकि अगर हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो कमाया गया सारा पैसा शरीर पर लगेगा। 1 घंटा व्यायाम करने से आपके 23 घंटे बहुत अच्छे से गुजर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ ना रहें तो हम काम जल्दी नहीं कर पाएंगे और समय बर्बाद हो जाएगा दोस्तों, और व्यायाम करने से आपको नींद भी अच्छी आती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें ऑथर हमें टीवी से सावधान रहने के बारे में बताते हैं। एक सर्वे में पता चला है कि एक इंसान जब टीवी देखने बैठता है दोस्तों, तो औसतन वह 2.5 घंटे तक टीवी देखता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग टीवी वाले कर रहे हैं। कहते हैं कि टीवी देखने वाला कभी टीवी में नहीं आ सकता दोस्तों, इसलिए टीवी को 30 मिनट से ज़्यादा न देखें। सिर्फ जरूरी और अच्छी बातें ही देखने के लिए आप टीवी का इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें ऑथर हमें मोबाइल का कम से कम उपयोग करने के बारे में बताते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग मोबाइल में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। आज से पहले जब मोबाइल नहीं था तब भी लोग सफल हुए हैं, लेकिन आज के टाइम में बहुत से लोग मूवी, चैटिंग, सॉन्ग्स और गेम्स, इन सभी चीज़ों में अपना इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं जितना कि मानव इतिहास में उन्होंने कभी नहीं किया। हमें मोबाइल को सिर्फ जरूरी कॉल्स और नॉलेज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ओवरनाइट तो इसमें बहुत कम समय देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक रेडियंस निकलती हैं, जिससे में ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी भी हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें हमें ऑथर इंटरनेट पर ज़्यादा समय बर्बाद करने के बारे में बताते हैं। इंटरनेट पर सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही खोजें। एक सर्वे में पता चला है कि आज के युवा इंटरनेट पर 1 दिन में 5 घंटे देते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा फेसबुक है, उसके बाद इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल है, इसलिए इनको जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करें। ऑथर यहाँ पर आपको इन सभी प्लेटफॉर्म का यूज न करने पर फोकस नहीं करते, बल्कि वो आपको सिर्फ जरूरी और इम्पोर्टेंट काम के लिए ही इन सभी एप्लीकेशंस और इंटरनेट का यूज करने पर फोकस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में। ऑथर हमें बताते हैं दोस्तों कि हमें आलस से बचना चाहिए। आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस का सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा खाना खाना। खाना हमेशा समय पर और लिमिट में खाएं। कम खाने से भी दिक्कत बढ़ जाती है, इसलिए न ज़्यादा खाएं और न ही कम। आलस से इंसान काम को टालता है और इससे टाइम की बर्बादी होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें हमें ऑथर टाल मटोल न करने के बारे में बताते हैं। आज के काम को कल पर टालना बहुत आसान है, और आज के समय में सबसे ज़्यादा यही दिक्कत लोगों के साथ है। वह सोचते हैं कि कल से शुरू करूँगा और फिर यही कहते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा निश्चित लक्ष्य नहीं होता। जिस काम को जब करना है उसको किसी भी हाल में पूरा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में दोस्तों। अगले दिन की योजना बना करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करें दोस्तों। अगर आपने अभी तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी नहीं देखी है तो आप उसकी वीडियो समरी देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बनाई है दोस्तों, जिसका लिंक हम आई बटन में आपको दे देंगे दोस्तों। इंसान के 2 मन होते हैं दोस्तों, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हमको किसी काम को करने के लिए बार बार जोर देना होता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई बात आ जाती है तब हमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। जैसे कि ब्रश करना, सांस लेना, खाना खाना एक्सेट्रा, हम पहले से ही योजना बना करके इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वह काम खुद ही हो जाता है दोस्तों। इसका उदाहरण है दोस्तों, जब हम दूसरे दिन सुबह कहीं जाना होता है तो हमारी नींद पहले ही खुल जाती है दोस्तों। अक्सर आपने ये बात नोटिस की ही होगी। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें ऑथर सुधीर दीक्षित जी हमें बुरी आदतों से बचने के लिए कहते हैं। बुरी आदतें कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि शराब पीना, सिगरेट पीना। इससे इंसान का टाइम भी खराब होता है दोस्तों, इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। और एक सर्वे में पता चला है दोस्तों कि एक सिगरेट पीने से कम आपके 30 मिनट ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सिगरेट लाने और उसको सबसे छुपा कर पीने
इनफैक्ट दोस्तों से बातें करने में लगभग 30 मिनट का टाइम लग जाता है। शराब पीने में बहुत सा समय लगता है दोस्तों, और उसके पीने के बाद इंसान किसी काम का नहीं रहता, ना उससे कोई बात करना पसंद करता है और ना ही मिलना। इसलिए इस पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, जो हमें सापेक्षता यानी कि रिलेटिविटी के नियम के बारे में बताता है। जब हम जरूरी काम कर रहे होते हैं दोस्तों, तो हमको और भी काम याद आने लगते हैं, और जब हम फालतू काम कर रहे होते हैं दोस्तों, तो उस समय हमें इतने ज़्यादा फालतू काम याद आते हैं कि हम उनके बारे में बता भी नहीं सकते दोस्तों। यही रिलेटिविटी का नियम है दोस्तों, कि आप जिस समय पर जिस भी टाइप के काम कर रहे होते हैं दोस्तों, तो आपको उसी टाइम पर वैसे काम याद आने लग जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस बुक के कंक्लूजन के बारे में। दोस्तों, समय बहुत ही ज़्यादा बलवान होता है, इसको सही इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय को बर्बाद करने वाले लोगों का जीवन हमेशा अस्त-व्यस्त हो जाता है। और आपने सुना ही होगा दोस्तों कि टाइम इज मनी, समय एक बार चले जाने के बाद वह किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकता। इसलिए अपने समय में कब क्या करना है, इसको आपको निश्चित करना होगा। हमेशा एक दिन बाद की योजना बना करके तैयार रखें और अपने पास टाइम टेबल रखें। अगर आप ऐसा करेंगे दोस्तों, तो आप अवश्य ही अपनी लाइफ के अंदर अपने मनचाहे परिणाम को पा सकेंगे, और बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट न करें दोस्तों, और इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स का उतना ही उपयोग करें जितना कि ज़रूरी हो। जब तक ज़रूरी न हो दोस्तों, आप टीवी न देखें, इससे भी आपका बहुत सा टाइम खराब होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इन सभी 30 प्रिंसिपल्स को यूज़ करके अपने टाइम को बचा पाएंगे और अपने और अपनी फैमिली के लिए सफिशेंट टाइम निकाल पाएंगे दोस्तों। और आज के बाद आपकी ये कंप्लेन कि आपके पास टाइम नहीं है, वह दूर हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिनसे उनका भी टाइम सेव होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें।